नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी इस नए साल 2023 में एक न्यू बाइक लेने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 बेस्ट बाइक्स अंडर 1.5 लाख, जिसमें आपको शानदार माइलेज एंड लुक्स के साथ साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स को मिस ना करें। दोस्तों, हमने इससे पहले अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2023 एंड अपकमिंग ईवी स्कूटर्स इन इंडिया के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, सो प्लीज़ चेक इट आउट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप हमारी सारी अपडेट्स एंड डील्स सबसे पहले देख पाएँ। नंबर 5 पर है यामाहा FZ SFI। यामाहा FZ SFI यामाहा मोटर्स कंपनी की तरफ से आने वाली एक स्पोर्ट्स मोटर बाइक है, जो कि अपने स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। यामाहा FZ SFI कई कलर्स में मार्केट में अवेलेबल है एंड ये बाइक अपने परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग के लिए काफ़ी मशहूर स्पोर्ट्स बाइक है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें 149cc का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है और साथ में 5-speed गियर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, मोबाइल कनेक्टिविटी, LED हेडलैम्प, 13 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी, सिंगल चैनल ABS एंड 115 km/h की टॉप स्पीड एंड काफ़ी अमेजिंग और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इस बाइक की प्राइस एंड माइलेज की बात करें तो इसकी प्राइस है 1.21 lakhs एक्स शोरूम एंड इसका माइलेज है 46 km/l का, जो कि इस प्राइस रेंज एंड इतने अमेजिंग फीचर्स के साथ हमें इस बाइक्स में देखने को मिल जाता है। नंबर 4 पर है TVS Apache RTR 164V। TVS Apache RTR 164V TVS मोटर्स कंपनी की तरफ से आने वाली एक स्पोर्ट्स मोटर बाइक है, जो कि अपने स्पोर्टी डिज़ाइन एंड एजाइल हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। यंगस्टर्स में अपाचे एक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक है, जो कि एक बजट फ्रेंडली एंड स्पोर्टी लुक्स के साथ आती है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें 159.7cc का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है और साथ में 5-speed गियर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED हेडलैम्प्स, 12 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी, सिंगल चैनल ABS एंड 114 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर इस बाइक की प्राइस एंड माइलेज की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.22 lakhs एंड इसका माइलेज है 45 km/l का। क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है, हम इससे माइलेज की ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, बट बाइक काफ़ी शानदार फीचर्स एंड लुक्स के साथ इस माइलेज की कमी को कवर कर लेती है। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इस बजाज पल्सर N160। बजाज पल्सर N160 इंडियन कंपनी बजाज ऑटो की तरफ से आने वाली एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटर बाइक है, जो कि अपने स्पोर्टी डिज़ाइन एंड एजाइल हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। N160 बजाज NS160 का अपडेटेड मॉडल है। NS160 एक शानदार एंड पॉपुलर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। हालांकि NS160 के स्पेक्स काफ़ी पुराने हो चुके थे एंड कस्टमर्स अपाचे एंड अदर स्पोर्ट्स बाइक की तरफ मूव हो रहे थे, इसलिए बजाज ने एक अपडेटेड N160 मॉडल को लॉन्च किया है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें 164.82cc का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है और साथ में 5-speed गियर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED हेडलैम्प, 40 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी, ड्यूअल चैनल ABS, 120 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर इस बाइक की प्राइस एंड माइलेज की बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 1.23 lakhs से एंड जाती है 1.3 lakhs तक एंड इस बाइक में आपको 45 km/l का माइलेज देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पे आती है होंडा हॉर्नेट 2.0। होंडा हॉर्नेट 2.0 होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया की तरफ से आने वाली एक स्पोर्ट्स मोटर बाइक है, जो अपने स्पोर्टी एंड अमेजिंग लुक्स के लिए चर्चा में है। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको मिलता है 185cc फ्यूल इंजेक्शन SI इंजन, पर अपने स्टाइल की वजह से ये आपको एक 350cc सेगमेंट की बाइक जैसी बल्कि दिखाई देती है। हालांकि ये बाइक का कर्व वेट सिर्फ 142 kg है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको मिलता है एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, LED हेड एंड टेल लाइट, ट्यूबलेस टायर्स,
फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन विद गोल्ड आयोनाइज एंड रियर मोनोशॉक सस्पेंशन जो इंश्योर करता है कि आपकी राइड स्मूथ और आरामदायक रहे। इसके अलावा इसमें आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक और लगभग 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये बाइक 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 6000 आरपीएम पर, और इसमें आपको मिल जाता है 57.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सिटी एरिया में एंड 55.77 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हाईवेज पे। ये बाइक 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है मात्र 12.91 सेकेंड्स में, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव इन दिस सेगमेंट। दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है ₹1.36 लाख एंड ये बाइक आपको 4 कलर्स में देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज TVS Raider Smart Connect। TVS Raider Smart Connect भारत में TVS मोटर कंपनी की तरफ से आने वाली एक शानदार मोटर बाइक है। इस बाइक में आपको स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिलता है जिससे राइडर अपना स्मार्टफोन ब्लूटूथ के जरिए इससे कनेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस कनेक्शन से आपको कमाल के फीचर्स जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट एंड म्यूजिक प्लेबैक जैसे कई और फीचर्स मिल जाते हैं। इस बाइक में एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी है जिसमें आपको बाइक और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस की, तो दोस्तों इसमें आपको 125 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जिसका मैक्स टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर। इसके साथ आपको 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, राइड रिपोर्ट, एम्बियंट सेंसर, LED हेड एंड टेल लैंप एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको 99 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। इस बाइक का फ्यूल टैंक है 10 लीटर का और इसमें आपको ऑन रोड 57 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसी एक्स शोरूम प्राइस है ₹99,990 यानी लगभग 1 लाख रुपए। इसमें 2 और वेरिएंट हैं जो कि है TVS Raider डिस्क एंड TVS Raider ड्रम, जिनकी प्राइस थोड़ी और लोअर साइड पर है, पर हमारे हिसाब से TVS Raider Smart Connect इज वन ऑफ द बेस्ट बजट बाइक इन इंडिया राइट नाउ। दोस्तों आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन बजट बाइक अंडर 1.5 लाख इन इंडिया कौन सी हो सकती है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस नए साल में नई बाइक लेने का सोच रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सी बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू अपडेट एंड नई डील के साथ।